जब पैकिंग के पहले, तो इसमें करीब करीब मेरा 1 लीटर पेट्रोल था और वो पेट्रोल सारी की सारी निकाली गई है। और वो पेट्रोल सारी ये लोग ही रख लेते हैं अपने पास, पेट्रोल ले जाना अलाउड नहीं है दोस्तों। तो पूरी तरह से मेरी गाड़ी खाली एकदम है, नो पेट्रोल, और हेलमेट भी इसके साथ नहीं ले जा सकते हम लोग, अलग से लेके जा रहे हैं। और साथ में यहाँ पर पैकिंग वगैरह हो चुका है, कम्प्लीटली टोटल हो चुका है, इंतजार करेंगे, उसके बाद हमारा गाड़ी लोड हो जाएगा और फिर हम लोग साथ साथ ही चलेंगे। दोस्तों बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, और लास्ट का जो हम लोग जब गाड़ी को बाइक को रिसीव करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ पर कि कैसा प्रोसेस होता है। देखो गया का रेलवे स्टेशन जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे अभी खड़ा है, हमारी ट्रेन भी खड़ी है इधर ही, कोशिश करूंगा आप लोग को। तो ये क्या बोलते हैं, पार्सल पैकिंग ऑफिस है जहाँ पर हम लोग आकर अपना सारी गाड़ी का प्रोसेस किए। यहाँ पर पार्सल को पैक करने से पहले कागज़ लेकर साइन वगैरह कराया जाता है दोस्तों। और ये आप उधर से आएंगे तो मेन रोड से होते हुए बस लेफ्ट लेंगे, और फिर लेफ्ट करीब करीब 500 मीटर आने के बाद आपको फॉर्म नंबर 1 मिलेंगे, जहाँ पर आपको पार्सल वगैरह लिखे रहेंगे, पार्सल से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन लिखे रहेंगे दोस्तों। ये रहा गया जंक्शन का पार्सल वाला ऑफिस, अलग है टिकट काउंटर आगे की साइड में है, और बाइक पार्सल बाइसिकल अदरवाइज जितना भी पार्सल करने के लिए यहाँ पर है उसका ऑफिस, फर्स्ट में उसी का ऑफिस आपको मिलेगा दोस्तों। मेरी बाइक कम्प्लीटली ये हो चुका है, पार्सल पैक हो चुका है, और अभी हम लोग जाएंगे साथ दोस्तों, ऑफिस लोग हैं तो पता करता हूँ दोस्तों क्या होगा दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पर का अंदर का। नाम ये है कि आपको ये सारी पार्सल आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, यहाँ से वहाँ नहीं भेज सकते दोस्तों। ये रही वेट मशीन, अगर मैं चाहता हूँ तो वहाँ वेट होगा दोस्तों। मेरा इसमें डॉक्यूमेंट आधार कार्ड और RC और लाइसेंस का जरूरत पड़ा था पार्सल करने के लिए। बाहर से रोड के किनारे से ऊपर उस पार होने के लिए, क्रॉस होने के लिए बना हुआ है दोस्तों, देखो उस तरफ जाने के लिए दोस्तों बना हुआ है। हम लोग का जो टिकट के लिए अप्लाई किए थे, हम लोग को नहीं मिला, बहुत ज़्यादा वेटिंग की वजह से हम लोग को स्लीपर के जगह पर सीटिंग मिला बैठने के लिए, हम लोग उसी में जाएंगे बैठ कर। ये बैग और एक और बैग उधर रखा हुआ है, और हम लोग दोनों साथ में, लेकिन हम लोग को स्लीपर में सीट नहीं मिला। तो करीब करीब सुबह 3:30 बजे तक पहुंच जाएंगे, 4 बजे तक करीब, 4 बजे तक करीब हम लोग पहुंच जाएंगे दोस्तों न्यू दिल्ली। और हमारे साथ ही पूरी बाइक भी जा रही है, हम दोनों और हमारे साथ बाइक भी जा रही है दोस्तों। तो एक ही गाजियाबाद जंक्शन दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं अभी, लेकिन बहुत ज़्यादा हम लोग का ट्रेन लेट है, करीब करीब 5 घंटा ट्रेन हम लोग का लेट है अभी दिल्ली पहुँचने के लिए। काफ़ी स्टेशन क्रॉस करने होंगे तभी हम लोग पहुँचेंगे वहाँ भी। ये गाजियाबाद जंक्शन का अगर क्यों हमारा ट्रेन इतना लेट था, लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग गाजियाबाद जंक्शन पहुँचे दोस्तों। ये देखो गाजियाबाद जंक्शन प्लेटफॉर्म वगैरह, ये है प्लेटफॉर्म 3 में हम लोग इंटर किए हुए, हम लोग जा रहे हैं अभी 7:46 में टाइम। के किनारे का देखिए नज़ारा कैसा, कितना लाइन से मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन वाले यहाँ पर लोग बसे हुए हैं इसके किनारे में ही, कितना मस्त नज़ारा। देखो दोस्तों बिल्डिंग से भरा हुआ नज़ारा, देखो साहिबाबाद, ये रहा साहिबाबाद, ये गाजियाबाद जंक्शन के थोड़ी से आगे तक है, और ये पास में ही स्थित है उसके उस जंक्शन के आसपास। तो यमुना नदी, दूर से तो पानी का पता नहीं चला गंदा है कि साफ नहीं, ये है यमुना नदी, हाँ तो साफ कर दिया गया ना, यही था फाइनली दोस्त। मैं अभी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँच चुका हूँ, और हम लोग अपना बाइक का वेट करें, कहाँ हमारा बाइक है, हम लोग बाइक को लेंगे यहाँ से पिकअप करेंगे अपना पेपर दिखाकर, और फिर मानेसर जाएंगे हम लोग यहाँ से करीब
20-25 किलोमीटर दूर पड़ गया। देखिए कितने सारे लोग आए यहाँ पर, ये न्यू दिल्ली का न्यू दिल्ली जंक्शन है और हम लोग अपना बाइक रिसीव करने के लिए थोड़ा वेट करेंगे और पेट्रोल डालेंगे और निकल देंगे। आगे की दिखाऊंगा वीडियो में जो भी होगा। साथ में हम लोग, मेरे साथ ये भैया है, मतलब मैं इनके साथ आया हूँ, मैं अपने भैया के साथ आया हूँ, मैं और ये और मेरा बाइक। ये हमारी बाइक आ गई दोस्तों और इसको ओपन करने वाला हूँ, खुद से हम लोग ओपन करेंगे इसको और इसमें पेट्रोल डालेंगे, जिसके लिए बॉटल भी ले ली है हम लोग। तो इसमें हम लोग पेट्रोल डालकर आगे चलेंगे। फिलहाल पेट्रोल कहाँ पर मिलेगा अभी तो यहाँ पर इतना जानकारी नहीं है, पर पेट्रोल यहीं से आसपास से लेना पड़ेगा हम लोग को। सब्जी कर लिए तो खुल भी ना सकते हैं, नहीं ना सब गाड़ी बोल रहा है कि 20,000 में ही मिलेगा। वो साइकिल से भी नहीं चलता होगा, वो साइकिल से भी नहीं चलता होगा, हाँ बोल रहा है ना, सही बात है। और दूसरे को ज्ञान दे रहा है। हम लोग इसको ओपनिंग कर लेते हैं फिलहाल, और यहाँ पर हर चीज़ के पैसे लगते हैं, इसलिए आपको पैसे बचाना है। तो पेट्रोल डालेंगे और हम लोग यहाँ से आगे निकलेंगे। मेरे को शायद मेट्रो से जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर मैंडेटरी है, जितने लोग बैठेंगे उतने लोग का मैंडेटरी यहाँ पर हेलमेट है। यहाँ पर हमारे साथ सिर्फ एक ही हेलमेट है, सिर्फ एक ही हेलमेट है, और तो एक को बाइक से जाना पड़ेगा और एक मेट्रो से जाएंगे हम लोग। वॉच माई अदर व्लॉग वेब सीरीज़।